राजा परीक्षित जिसने कलयुग को चार स्थान दिए, क्योंकि जब वो कलयुग, जब राजा भ्रमण पर थे, वो कलयुग सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादियों से, जब भ्रमण में थे उन्होंने एक दृश्य देखा, एक गाय बैल, बैल के तीन पांव कट गए हैं, एक पांव पर बैल खड़ा है, उसको भी एक काला काला महापुरुष काटने के लिए उद्यत है, उसका परिचय पूछा तो उसने कहा मेरा नाम है कलयुग, अब मेरा समय आ गया है। राजा परीक्षित ने कहा मेरे देश से निकल जा नहीं तो तेरे को मार डालूंगा। उस कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका ही तो राज है, मैं कहाँ पर जाऊँ, इसलिए ठीक है आप मुझको कुछ स्थान बता दीजिए, मैं उन्हीं स्थान पर रहूँगा। तब राजा ने उस कलयुग को चार स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश चतुर्विधः, द्यूत जुए में कलयुग का वास, पानम सुरापान मदिरा पान में कलयुग का वास, और स्त्रिय वैश्यालय में कलयुग का वास, और जहाँ पर हिंसा होती है वहाँ पर कलयुग का वास होता है, इसलिए इन चारों चीज़ों से बचें, द्यूत जुए से बचें, पानम मदिरा पान से बचें, स्त्रिय वैश्यालय इससे बचें, और स्त्री लंपट पुरुष के संग से बचें, और चौथा हिंसा से बचें। हिंसा युक्त किसी प्रकार का आहार हमको किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है, उसकी बाद में बड़ी दुर्गति होती है। और पुनश्च याचमाना, या पुनः याचना करने पर पांचवा स्थान दिया कलयुग को, सोने में भी तेरा वास हो, बस अनीति के धन में, अनीति के सोने में, क्योंकि सोने में भगवान का भी वास होता है, धातुनाम अस्मि कांचनम, इसलिए आप लोग अपने हृदय में जो मंगल सूत्र के रूप में जो स्वर्ण अलंकार जब धारण जो धारण करती हो उसमें लक्ष्मी नारायण का वास होता है, तो जो हमारी नीति से कमाई हुई जो धन है, लक्ष्मी है, उसमें प्रभु का वास होता है। हाँ, अनीति के धन में कलयुग का वास होता है, वो हमारे परिवार को बिगाड़ देता है, इसलिए अनीति का धन ना आए। मनुस्मृति में लिखा है अन्यायोपार्जितम वित्तम दश वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय से उपार्जित धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक ही उस घर पर टिकता है, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति, 11वां वर्ष लगते ही उसके बाद वो ब्याज सहित निकलने लगता है, रोग में चला जाता है, शोक में चला जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर राजा परीक्षित को ही कलयुग ने मोहरा बना दिया, और जरासंध के मुकुट के प्रभाव से कलयुग ने राजा की बुद्धि को भ्रष्ट किया, ऋषि का अपमान किया, और उनको शाप लग गया। अन्यथा राजा परीक्षित जब तक सत्ता में थे कलयुग का कोई प्रभाव नहीं था। यही लिखा है कि तावत कलिर्न प्रभवेत प्रविष्टो पिह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्या माभिमन्येव एकराट। कोई प्रभाव, तावत कलिर्न प्रभवेत, जब तक राजा परीक्षित थे कलयुग का कोई प्रभाव नहीं था। यहाँ पर शौनकादियों ने पूछा कि हे सुध जी महाराज, ये बताइए कि राजा परीक्षित के पास तो बड़ा अच्छा अवसर था कलयुग को, तलवार जब निकाल ही ली थी मारने के लिए तो गर्दन काट देते कलयुग की, तो कम से कम इस प्रकार से कलयुग में जो गलत विचारधारा हमारे मन को प्रभावित करती है, न रहता बांस न बजती बांसुरी, द्वापर ही बना रहता कलयुग को मार डालते, तो फिर द्वापर तो समाप्त हो ही चुका था, सीधा सत्युग आ जाता। तब यहाँ पर परीक्षित जी की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं, परीक्षित जी का स्वभाव है ना अनुद्वेष्टे कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक कशलान्याशुषिध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत। राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परीक्षित ने कलयुग में एक गुण देखा, और राजा परीक्षित को क्या कहा है? सारंग इव सारभुक। ऐसा परीक्षित का स्वभाव है, सार सार ग्रहण करते हैं, मतलब नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करते, केवल पॉजिटिविटी कितनी है उसको ही एक्सेप्ट करते हैं। तो राजा ने देखा कि इस कलयुग में भले ही बहुत सारे अवगुण हों, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, क्या? कि कशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत। अन्य युगों में अच्छा कर्म करने पर ही उसका पुण्य प्राप्त होता था, अच्छा सोचने पर नहीं। मान लिया मैंने मन से, मानसिक रूप से, कलयुग में कितना प्रभाव है, मानसिक रूप से मैंने किसी का भला किया, परोपकार किया, किसी के लिए अच्छा सोचा,
अभी उसके लिए अच्छा किया नहीं, केवल सोच ही रहा था कि अमुक बच्चे हैं, बड़े गरीब हैं, बड़े निर्धन हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं अब उन बच्चों को अगली तनख्वाह आएगी तो दो चार बच्चों को बैग दिलवा दूंगी, पेंसिल कॉपी दिलवा दूंगी। अभी दिलवाया नहीं था, केवल रात को सोते सोते सोचा ही था। तो राजा परीक्षित कह रहे हैं कि केवल सोचने मात्र से ही करने के बराबर फल लग जाता है। करोगे तो बाद में और लगेगा, वो अलग है, लेकिन सोचने से ही लग गया। अभी मंदिर बनाया नहीं, सोच रहे थे कि अरे भगवान का मंदिर बनाएंगे, ऐसा मंदिर बनेगा, ऐसे प्रभु स्थापित होंगे। बस सोचने मात्र से ही आपको अनंत गुना फल भगवान प्रदान करते हैं। ये कलयुग का मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मन से पुण्य कर लिया तो उसका फल मिल जाता है और हो ही नहीं पापा। मन से किसी के लिए पाप सोच लिया लेकिन किया नहीं तो उसका पाप भी नहीं लगेगा। मन से सोचने पर पुण्य तो लग जाएगा लेकिन मन से सोचने पर पाप नहीं लगेगा जब तक करोगे नहीं। अब कहीं आप ऐसा सोचें कि अरे सोचने से, किसी को गाली देने से तो पाप लग ही नहीं रहा है इसलिए खूब गाली दो, ऐसा नहीं है। अगर किसी को आप किसी के लिए बुरा सोचोगे, जैसा आप सोचते हो वैसा आपका व्यवहार बन जाता है, और जो चीज़ व्यवहार में आती है वो एक ना एक दिन क्रिया में जरूर आती है। इसलिए माँ मंगलम तात परेशुमस्थाम, किसी का मंगल का भाव मन में लाना नहीं। तुलसी बाबा चौपाइयों के माध्यम से कहते हैं, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग केवल नाम आधार, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से ही भगवान कल्याण कर देते हैं, और भगवान के नाम की कितनी महिमा है कलयुग में, नाम की इतनी महिमा क्यों? क्योंकि अगर आप इस कलिकाल में जप करेंगे, तप करेंगे, अगर आप यज्ञ आदि करेंगे तो सब चीज में आजकल मिलावट है। यज्ञ करेंगे तो देसी घी शुद्ध नहीं, धूप बत्ती जलाएंगे तो धूप बत्ती नकली बन रही है, तो सब चीज में मिलावट हो सकती है, लेकिन नाम में, भगवान के नाम में कोई मिलावट नहीं कर सकता। भगवान का नाम जैसा राम कृष्ण नारायण पहले था, युग इस सृष्टि के प्रारंभ में था, वैसा ही उतनी ही शुद्धता के साथ आज भी है। सब में मिलावट हो सकती है, भगवान के नाम में नहीं। इसलिए कलयुग में नाम का बहुत बड़ा प्रभाव बताया गया है।